अगर आज आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि त्योहारों से पहले सोने चांदी के दाम फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले एक हफ्तों में तो सोने चांदी के भाव मानो आसमान छू रहे हैं। सराफा बाजार में तो भाव ऊपर है ही, वायदा बाजार में भी सोने चांदी की कीमतें बड़ी तेजी दिखा रहे हैं। ऐसे में आज जानेंगे सोने के भाव में आई इस बढ़ोतरी की क्या है असल वजह, साथ ही जानेंगे आज सोना चांदी के क्या है ताजा भाव। मजबूत ग्लोबल ट्रेंड्स के बीच घरेलू बाजार में अच्छी खरीदारी के कारण राष्ट्रीय राजधानी में सोने का भाव शुक्रवार को 1200 रुपए उछलकर दो महीने के उच्चतम स्तर 75,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत में भी लगातार चौथी कारोबारी सत्र में तेजी जारी रही और इसकी कीमत 2000 रुपए की तेजी के साथ 89,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। चांदी में आई इस तूफानी तेजी की वजह इंडस्ट्रियल यूनिट और सिक्का निर्माताओं की बढ़ी हुई उठान थी। MCX पर गोल्ड 148 रुपए की तेजी के साथ 73,663 रुपए पर चल रहा था। शुक्रवार को ये 73,515 रुपए पर बंद हुआ था। चांदी तो सीधे करीब 955 रुपए की तेजी लेकर 90,145 रुपए के भाव पर चल रही थी, यानी कि चांदी वायदा बाजार में एक बार फिर से 90,000 के पार चली गई। शुक्रवार को इसकी क्लोजिंग 89,180 रुपए पर हुई थी। इसके साथ ही पिछले चार सत्रों में चांदी की कीमतों में 5,200 रुपए प्रति किलोग्राम की मजबूती आई है। इस बीच 99.5% शुद्धता वाला सोना भी 2200 रुपए की तेजी के साथ 75,200 रुपए प्रति 10 ग्राम चला गया। व्यापारियों ने सोने की कीमतों में तेज उछाल की वजह इंटरनेशनल मार्केट से मिले मजबूत संकेतों को बताया। इन सब के अलावा शादियों और त्योहारों के कारण भी सोने की खरीदारी जमकर बढ़ रही है। खरीदार सोने का ऑप्शन चूज कर रहे हैं, जिससे डिमांड में लगातार बढ़ोतरी आ रही है। आने वाले दिनों में सोने चांदी की कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।